welcome back to the Camden Interactive series. Through this series, we have been talking to principals and next gen of business families and industrialists to bring the best practices of family offices and family businesses to our viewers and other Camden community. We have currently with us, who's our speaker for today is Saabji Dholakia. He's a very famous person from Surat who has built the diamond industry from scratch, and is well known within the community at Surat and Kathiawad as not only building employment for thousands of people as well as doing a lot of philanthropic work. So we are very thankful और सावजी आपको वेलकम है हमारे कैमडन प्लेटफॉर्म में. 1992 में चालू किया था हरि कृष्णा एक्सपोर्ट्स और आज इज वन ऑफ द लीडिंग डायमंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन इन इंडिया एंड एक्सपोर्टिंग द प्रोडक्ट्स ग्लोबली. सो सावजी भाई, पहले तो आप थोड़ा आपके परिवार और आपके इंडस्ट्री के बारे में बताइए, आपने कैसे चालू किया. जी सर, नमस्कार. मैंने वैसे तो स्टार्टिंग किया डायमंड में, उसको हुआ 45 ईयर. 10 साल तक तो मैंने ये डायमंड पॉलिशिंग का काम किया था. जो हमारे यहाँ एम्प्लॉय आज 6000 लोग जो काम कर रहे वो काम मैंने 10 साल तक किया. फादर को बहुत तो इंटरेस्ट था बिजनेस में, कुछ भी करके बिजनेस में बेटे को ले जाने का और उसको बड़ा बनाने का. एक ख्वाहिश की वजह से एक निर्णय लिया और काम चालू किया. 3 साल के बाद मैं स्टेबल हुआ. 7 साल इराक घसा. बाद में फादर ने 3900 रुपया दिया मेरे को बिजनेस करने के लिए और मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था 3900. 4000 पूरा नहीं था, 3900 तभी मेरे पास, उसके पास शायद नहीं होगा 4000, आई डोंट नो. बन मैंने वो बिजनेस चालू किया. बाद में हमने ये छोटा सा यूनिट किया सूरत में, सब ट्रेडिंग किया. छोटे छोटे लोग ये तो सीखते गए करते गए. बाद में 92 में हमने काफी सारा ग्रोथ कर लिया था, इसलिए एक्सपोर्ट का सोचा. तब तक हमारा मेरा भाई घनश्याम था, वो बिजनेस में आ गया था, पढ़ा लिखा 10 पढ़ा लिखा आ गया, चलो अभी एक्सपोर्ट का करते है. और हरि कृष्णा का 92 में शुरुआत किया. बाद में ग्रोथ अच्छा हुआ, से चारों भाई बिजनेस में आ गए. हमारे साथ जो लोग काम कर रहे थे उसको भी हमने साथ में ले लिया, उसको भी शेयरिंग किया, उसको भी शेयर दिया. 95 में मैंने वो 3 कार गिफ्ट दिया था. बाद में तो हमारा ग्रोथ चलता गया और सीखते गए और बढ़ते गए. लेकिन बिजनेस में आने की तो जर्नी 44 साल की है, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट करने की जर्नी ये 92 से अभी तक की है. और हम साथ में बिजनेस और फैमिली दोनों साथ में इक्वली चलाते हैं, क्योंकि मेरा बहुत कंफर्म मानना है कि फैमिली साथ में होगी तो ही हम पैसा या तो सफलता को हैप्पीनेस से बचा पाएंगे या तो ले लेंगे. अकेला बिजनेस होगा और फैमिली नहीं होगा तो कुछ नहीं है. फैमिली है तो ही बिजनेस है, वो तो अपने आप हो जाएगा. ये तो आपने जो आपकी कहानी बताई है ये तो हमारे दर्शकों के लिए बहुत बहुत अच्छा है. सुन रहे हैं जितने दर्शक हमारे देख रहे हैं, इसको क्या बोलूं कि बहुत बहुत सीखने को मिलेगा. फैमिली को, सबको इन्वॉल्व करके फैमिली को काम देते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो आपने बोली ना. क्योंकि अकेला इंसान कितना बड़ा बिजनेस करेगा, अकेला 10 काम कैसे संभालेगा. और आप लोग सब आपके बड़े लोग, आपके भाई चाचा हो, भतीजे हैं, बेटे हैं, सब लोग जो आप लोग उनको ट्रेन करते हैं, आप उनको काम सिखाते हैं और सबको आप बोलते हैं कि आगे बढ़ो, तो ये बहुत बहुत ही अच्छी बात होती है. और आपने इनिशिएटिव लिया, आपने एक स्टेप लिया कि टेक्नोलॉजी यूज काफी की है आपने आपके बिजनेस में और आपके मैन्युफैक्चरिंग में या मार्केटिंग में या ऑफिस में. तो
वो कुछ आप दर्शकों को बताएं कि ये टेक्नोलॉजी आपने कैसे यूज की, उसको कैसा आपको लाभ मिला आपके बिजनेस में, और वो कैसा बिजनेस को और बढ़ावा दिया टेक्नोलॉजी यूज करते हुए। हम लोग चारों भाई में से टोटल लगा हो तो ग्रेजुएट नहीं होते हैं, इसलिए हमारी एक वीकनेस थी पढ़ाई, तो टेक्नोलॉजी की वजह से हमने उसको ताकत बना ली। कोई भी टेक्नोलॉजी सीखने के लिए वी आर वेरी रेडी, कि हम लोग अनएजुकेटेड थे इसके लिए पीछे नहीं रह जावे। कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो हम चेक तो कर लो इसमें से और मैन्युअल में क्या फर्क आता है। बहुत मेहनत किया है जब ये टेक्नोलॉजी को कंपनी में अप्लाई करने में, क्योंकि ये हमारी कंपनी में सब अनस्किल लोग है, अनस्किल नहीं बोलते पर अनएजुकेशन, आज स्किल वर्क है लेकिन अनएजुकेटेड लोग है, तो एजुकेटेड लोग ही उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने बहुत उसके लिए लड़ाई की और बहुत ट्रेनिंग भी दी, और हमने भी पेशेंस रखा कि बिना टेक्नोलॉजी हम लोग पीछे रह जाएंगे, इसलिए जो हमारी वीकनेस थी वही हमने ताकत बनाई। हमारा जीवन में काम लगा है टेक्नोलॉजी में, हम कभी पीछे नहीं रहेंगे, जितना भी फी चुकानी पड़े, जितनी भी नई ट्रेनिंग लेनी पड़े, तो टेक्नोलॉजी इसकी वजह से हमको ज्यादा फायदा कराया। आपने टेक्नोलॉजी मेन किस में यूज किया, आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में या कहां पर? जी ऑफिस में नहीं, हमने मैन्युफैक्चरिंग ऑफिस दोनों जगह पे। मैं बहुत दिनों से परेशान था, आज से 15 साल पहले की बात करूं तो एम्प्लॉय है तो ये हमारे पास एक टेक्नोलॉजी आई थी, वो भी बाय डिफॉल्ट वीक आ गई थी, तो रिजल्ट नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी मेरे को ये श्रद्धा थी, विश्वास था, आप ये मशीन को छोड़ दो, नया ले लो, और नया लाया, और हमने माइन जो एम्प्लॉय के पास स्किल माइन है वो टेक्नोलॉजी में इंस्टॉल करना चालू किया, कि माइन अपना माइन से वो मशीन में ऐड करो, मशीन को अपने माइंड में ऐड करो, दोनों को ट्रेन करके मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ा हम चेंज ला सकते, बहुत बड़ा चेंज, नामुमकिन चीज हम मुमकिन कर पाए। ये हमारा बिजनेस इजराइल में था, जो हम काम कर रहे हैं आज वो सोच भी नहीं सकते थे, वो इजराइल की टेक्नोलॉजी थी। जब से इजराइल ने इंडिया में सेल करना चालू किया 15 साल पहले, आज इजराइल में पूरा बिजनेस सॉफ्ट हो गया। इंडिया ने इतना टेक्नोलॉजी को माइंड में बिठा दिया, अभी तो हमारा एम्प्लॉय इतना एक्सपर्ट हो गया है कि बिना टेक्नोलॉजी वो माइंड से काम करने लगा है जैसा टेक्नोलॉजी करती है। पर फिर भी टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन आता है, तो हम लोग हर रोज ट्रेनिंग देके हम पहले कैसे इसको एक्सेप्ट करके उसमें आगे जा सकते। जो हमारी आज की ग्रोथ है इसमें जो स्पीड है, तो 100 times स्पीड ये टेक्नोलॉजी ने की है, क्योंकि हम अभी जो प्लानिंग कर रहे हैं वो हमारे को 3 दिन लगता था एक डायमंड फाइनल करने में एक एम्प्लॉय को, आज टेक्नोलॉजी के सहारे 3 मिनट में वो फाइनल करता है। 3 दिन लगता था एक आदमी को फाइनल डिसीजन लेने में, वो टेक्नोलॉजी 3 मिनट में बता देता है, और आदमी वो टेक्नोलॉजी की मदद से और 3 मिनट में निर्णय ले लेता है, इतनी स्पीड बढ़ गई ये टेक्नोलॉजी। तो जो आप 3 दिन बता रहे हैं एग्जांपल, वो डायमंड को प्लानिंग करने में 3 दिन लगता है, डायमंड को प्लानिंग करने में, बड़ा डायमंड को इसमें कितना इंक्लूजन है, 100 से ज्यादा इंक्लूजन है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना प्लान, कितनी एंगल से प्लान बन सकता है, तो 200 फोटा एंगल से वो रिजल्ट देता है, इससे आप ये एंगल से प्लान करो सबसे बड़ा आएगा, ये एंगल से प्लान करो ये पेरिटी आएगी। ओके वो देखने में जो ग्लास लगता था, जो टाइम लगता था, जो कांच लगता था, वो सब चीज वो अभी टेक्नोलॉजी कर रही है। तो वो आपको 3 दिन में अभी वो विद इन फ्यू मिनट्स हो जाता है। यस, वीक स्टेप। और जैसे काम मैन्युफैक्चरिंग में भी जो 3XXC की हमारी जो रिक्वायरमेंट है
वो एम्प्लॉय को 4C लाने में टेक्नोलॉजी बहुत मदद करती है. अनस्किल लोग है वो स्किल लोग हो जाते हैं. अपने इंडिया में एक प्लस पॉइंट है, इसको आइडिया दिखा दो वो बढ़िया काम करेगा, लेकिन कोई दिखाने वाला तो चाहिए नहीं. पहले क्या था, मोनोपोली था, कोई किसी को सिखाते नहीं थे. हमने ये टेक्नोलॉजी लागे सबको, सब कुछ सिखा दिया. अपने यहाँ रहे के नहीं रहे, वो इंडस्ट्री का तो अच्छा एम्प्लॉय हो गया, तो आज तक कोई गया नहीं है. लेकिन सबको हमने टेक्नोलॉजी बांट दी माइंड में, सबको सब कुछ सिखा दिया. जितना मैं मेरे बेटे से सिखाता था इतना ही मैंने मेरे एम्प्लॉय को सिखा दिया. कोई मोनोपोली नहीं है, वही हमारी मोनोपोली है. और ये आपका मैन्युफैक्चरिंग में एक तो डिजाइनिंग और ये आप जो बता रहे हैं वो तो कट डाउन हो गया टाइम, और आपके जो कटिंग पॉलिशिंग प्रोसेस है वो भी पूरा मशीन में है अभी. इसमें गलती जो होती थी, वेट लॉस होता था, नुकसान होता था, सब कुछ बच गया. ओके, आपका एफिशिएंसी इज बिकम ऑलमोस्ट 99% नाउ. यस यस यस, 99 नहीं 101%. इससे आगे आदमी सोचता है. ओके, और आपने टेक्नोलॉजी इसमें भी आप यूज कर रहे हैं लाइक मार्केटिंग और सेल्स में? सेल्स में तो टेक्नोलॉजी, आज जो ऑनलाइन माल बिक रहा है कभी सोच नहीं सकता कि बिना देखे लोग डायमंड लेगा. ये 15 महीने से किसी ने माल कोई देखने नहीं आए है, और घर बैठा हमने बेचा और घर बैठा उसने लिया. उसमें तो कितना फायदा हुआ है कि इसकी कोई गिनती नहीं की जाए. समय का हुआ, पैसे का हुआ, खर्चे का हुआ. और जब भी हम ब्लाइंड माल देते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है. जो बोलते है इससे अच्छा होना चाहिए, पहले वो देख के लेते था तो हम लोग ऐसी ट्राई नहीं करते थे कि भाई ये अच्छा नहीं है. आज तो बिना देख के लेते तो हम बोलते कि भाई तू ये नहीं ले, ये ले, ये मेरी गारंटी. तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती, विश्वास बढ़ गया, ट्रस्ट बढ़ गया, खर्चा बढ़ कम हुआ और बिजनेस सबका बढ़ गया. सबके लिए बहुत फायदा हुआ ये टेक्नोलॉजी. और ये पैंडेमिक में जो आज जैसे आपने बताया 15 महीने लॉकडाउन था, पैंडेमिक में मूवमेंट कम हो गया, तो इसमें ऑनलाइन सेल्स में काफी आपको लाभ हुआ होगा? नहीं, 95% ऑनलाइन हुआ, सबका खर्चा कट गया और बड़ा काम ज्यादा हुआ. 6 बजे काम फिनिश करके 9-9 बजे तक करते थे, 6 बजे फिनिश करके चले जाते थे. समय भी बचा, पैसा भी बचा और काम ज्यादा हुआ, उसको भी कॉस्ट कटिंग हुई. Correct. सबको प्रॉफिट भी ज्यादा हुआ, सबका समय भी बचा. ये आशीर्वाद हुआ डायमंड के लिए, आशीर्वाद. ये चेंज कभी नहीं होती हमारी मानसिकता. हमारी मानसिकता होती है बीबीबी हमारी, भैया मेरे को डायमंड देख के लेने का है, और पुराना पूरा पुड़िया अभी बिना देख के लेने लगे. सबका सोच बदल दिया, सबका जरिया बदल गया, सबकी नजर बदल गई, सबकी स्पीड बदल गई. Correct. और सबके लिए बहुत अच्छा हुआ. And जैसे आपने बताया कि आपने आपके अनस्किल्ड वर्कर्स थे, अनएजुकेटेड लोगों को आपने जो पढ़े लिखे नहीं थे उनको ट्रेन करके इतना बड़ा आपने अचीवमेंट किया, तो बहुत बहुत अच्छा लगा हमको सुनने में. अभी आपने आप आज के इंडस्ट्री में नंबर 1 है लीडर्स, आपके एक्सपोर्ट में और आपके ज्वेलरी में जो आपने सेटअप किया है, जो आपने नाम कमाया है, आपका विजन क्या है? मतलब आप एज ए इंडस्ट्री में आप क्या करना चाहते हैं फॉर योर कम्युनिटी, फॉर एवरीबडी? देर आर सो मेनी अदर डायमंड मर्चेंट्स लाइक योर सेल्फ. तो आप कुछ बड़ा सोच रहे होंगे कि मैं कैसे इसको बढ़ावा दें, डायमंड इंडस्ट्री और बढ़े और लोग आए और लोग को एम्प्लॉयमेंट मिले? नहीं, इंडस्ट्री में मैं तो बहुत पॉजिटिव सोच रहा हूँ और मेरे को तो बहुत आगे का दिखता है. हमारी इंडस्ट्री जो अभी 50 साल में जो ग्रोथ करी हो, 10 साल में ग्रोथ करने वाली है. करेक्ट. ये जो लोग 100% फोकस करके इसमें लग जाएंगे तो इसके आगे स्पीड किसी की नहीं होगी, क्योंकि ये इंडस्ट्री बिना पॉल्यूशन है, किसी को इफेक्ट नहीं करती है. ये इंडस्ट्री मतलब डायमंड सबको खुश करती है.
डायमंड वो लोग लेते हैं जिसको कभी पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, और डायमंड का पैसा वहां जाता है जहां पैसे की जरूरत है, बेड बटर इसके ऊपर चलता है। तो डायमंड का पैसा भी सबको खुशियां बांटता है, और जो महंगा से महंगा डायमंड खरीदते उसमें भी खुशियां बांटता है। करेक्ट। और आजकल सबसे बेस्ट गिफ्ट ये इंडस्ट्री में तो अपॉर्चुनिटी 50 साल में जो ग्रोथ हुआ वो ये 10 साल में होने वाला है। हम लोग शायद 10 साल के बाद फिर से ऐसे ही मिलेंगे, अपने प्लेटफॉर्म पे याद रख के लिख लेना, बहुत बड़ा ग्रोथ होने वाला है। ये अपना हृदय बोल रहा है ना, तो मैं कोई पढ़ा लिखा हूं ना तो मैं कोई ऐसा आगाही भाषा करता, लेकिन हृदय से ये इंडस्ट्री में मेरा जो एक्सपीरियंस है, ये इंडस्ट्री बहुत ग्रोथ करने वाली है। बढ़िया बढ़िया, नहीं बहुत अच्छा लगा आप जो बोल रहे हैं, और हमारे जो बाकी जो इंडस्ट्री वाले हैं जो सुन रहे होंगे अपना वीडियो, उनको बहुत खुशी होगी कि डायमंड इंडस्ट्री आगे और बढ़ेगी और बड़ा अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। एक आखिरी सवाल आपसे साहब जी भाई, कि आपने जो इंडिया में सूरत में बैठ के किया अचीवमेंट्स, और इतना आपने टेक्नोलॉजी यूज की और आप एफिशिएंसी बढ़ाई आपकी इंडस्ट्री की आपकी कंपनी की, तो इसमें से बाहर वाले क्या सीख सकते हैं हमसे? बाहर वाले को सबका साथ सबका विकास, अपना इंडिया का जो सूत्र है, मैं तो हमारा विकास तो ऐसे ही हुआ कि हम लोग यही सोचे कि हमारे साथ काम कर रहे इसका विकास कैसे हो, हमारा विकास मत सोचो, हमारी खुशी मत सोचो, हमारा ग्रोथ मत सोचो, हमारे साथ जो है वो कैसे हैप्पी रहे, एकता वो जो ये इसकी मजबूती हम जितनी बढ़ाएंगे इतना हमारा ग्रोथ भी होगा और हैप्पीनेस भी बढ़ेगी और खुशी भी मिलेगी। जे अपनी ये फैमिली बिजनेस सब लोग समझो, हम चार भाई हैं, चारों भाई सेम जीवन जी रहे हैं, चारों के पास सेम स्किल नहीं है, जी रहे हैं, चारों का हिस्सा सेम है, अपने आप आते हैं, पैसे अच्छी जगह पे ही जाते हैं, खुशियां को अच्छी जगह चाहिए, पैसे को भी लक्ष्मी को भी अच्छी जगह चाहिए, ऐसे फैमिली चाहिए, ऐसे विचार चाहिए, ये फिलोसॉफी पे हम लोग काम करें तो मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। करेक्ट, नहीं सही बात की आपने साहू जी भाई, कि जो एक साथ मिलके काम होता है और एकता से काम होता है, अल्टीमेटली मुनाफा तो आएगा ही आगे जाके, लेकिन जो एकता है और एक दूसरे को साथ लेके सबको साथ में उनका सब ध्यान रख के चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सो साहू जी भाई, वंस अगेन थैंक यू, आपको धन्यवाद कि आप हमारे कैम्पटन प्लेटफॉर्म पे आए, आपने काफी अच्छे अच्छे बातें की दर्शकों के लिए, और हमको काफी उत्साह दिया कि आगे बिजनेस कैसे करें, टेक्नोलॉजी कैसे यूज करें, जो अनएजुकेटेड अनस्किल्ड पीपल को आपने कन्वर्ट किया कि टेक्नोलॉजी कैसे यूज हो रहे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें की हैं आपने, और कैम्पटन कम्युनिटी आपके लिए ऑलवेज आभारी रहेगा कि आपने अपना टाइम दिया। सो ऑडियंस, वंस अगेन वी थैंक साहूजी भाई फॉर बीइंग विद अस, and stay tuned for further such interaction with great industry persons. Thank you, stay safe and goodbye.